लखीमपुर खीरी सत्ता का गुरूर किस तरह सर चढ़कर बोलता है, इसका नजारा बीती रात लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है। यह भाजपा सांसद व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा के भतीजे ने जिला अस्पताल में जमकर तांडव मचाया। शराब के नशे में धुत सांसद के भतीजे ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की सारी हदें पार करते हुए गंदी गंदी गालियों से सम्मानित किया। भाजपा सांसद के भतीजे का यह ड्रामा देखकर जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों से लेकर मरीजों के तीमारदार सांसद के भतीजे से लाख मिन्नत कर रहे थे, लेकिन नशेड़ी भतीजे ने किसी की एक न सुनी। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा के भतीजे ने साथियों संग मिलकर जिला अस्पताल में किया तांडव। इमरजेंसी चिकित्सक और स्टाफ से की जमकर बदसलूकी। शराब के नशे में धुत भाजपा के गुंडों ने जिला अस्पताल में की गुंडई। इमरजेंसी में पड़े मरीजों को किया परेशान। नशेड़ियों ने मरीजों की जान से किया खिलवाड़। रात 1 बजे बियर की बोतलें लेकर अस्पताल परिसर में हंगामा करते रहे भाजपा सांसद के भतीजे। इससे पूर्व भी कई बार अस्पताल में कर चुके हैं हंगामा। अस्पताल परिसर में घूम घूम कर चिकित्सकों और स्टाफ को देते रहे शराब के नशे में गालियां। जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं बाधित। चिकित्सा कर्मियों ने घटना से क्षुब्ध होकर की हड़ताल। इधर उधर भटक रहे हैं मरीज। चिकित्सक कर रहे हैं गुंडों पर ठोस कार्रवाई की मांग। कल रात की घटना है, लगभग 1 बजे की। उसमें 4 लोग दारू पी के और लाठी डंडों का प्रयोग करते हुए काफी अभद्र व्यवहार किया गया है और स्टाफ के साथ काफी धक्का मुक्की किए, खूब गाली गलौज किया गया है। पूरे 1.5 घंटे ये चला। दारू लिए और 112 नंबर भी आई, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं उचित। रात में देखिए 5-6 लोग आए थे जो शराब के नशे में थे, अपने को किसी नेता का भतीजा बड़ा बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कोई नेता हैं, और काफ़ी जो हमारे चिकित्सक हैं, हमारे वार्ड में इमरजेंसी में वार्ड बॉय थे, सफाई कर्मी थे, सबसे उन्होंने अभद्र भाषा का व्यवहार किया, गाली गुप्ता दी, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। इसके पूर्व में भी वो कर चुके हैं इस तरीके की घटना 2 बार। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, सबको इसके पूर्व में लिखित रूप में अवगत कराया जा चुका, लेकिन राजनीतिक दबाव होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की हुई उनके ऊपर। उनका जो है मनोबल आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे हम लोग नहीं चाहते कि हम गरीब जनता की कोई असुविधा हो। हम लोग रात दिन जो है गरीब जनता की सेवा करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब मेरी कॉलर पकड़ी जाएगी या किसी हमारे अधिकारी की कॉलर पकड़ी जाएगी, उससे गाली गलौज की जाएगी, इमरजेंसी में तोड़फोड़ की जाएगी, सरकारी अभिलेख को उठा के फेंका जाएगा, तो हम लोग कैसे कार्य करेंगे। हम जनपद के माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ FIR पंजीकृत करके जो भी समुचित कार्रवाई न्यायोचित कार्रवाई होती है वो करने का कष्ट करें, जिससे जनपद से आए हुए हमारे मरीजों को, रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। हम सभी कर्मचारियों में, हमारे डॉक्टर में, सभी में जो है इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश है। हम लोग नहीं चाहते, हमारी मंशा कतई नहीं है कि हम लोग किसी प्रकार कार बहिष्कार करें, लेकिन जब हमारे चिकित्सक के साथ, हमारे कर्मचारी के साथ असलहा दिखाया जाएगा, लाठी डंडा दिखाया जाएगा, कालर पकड़ी जाएगी, गाली गलौज की जाएगी, अभिलेख को फाड़ा जाएगा, फेंका जाएगा, शीशे तोड़े जाएंगे, तो कैसे हम कार्य करें।